जो नया तूफान बिहार की धरती से नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर दिए अपने बयान से छेड़ा है। जी हां, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान की कड़ी निंदा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है, कहा है नीतीश कुमार ने। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया पर भी उन्होंने कहा है कि ऐसा लंबा नहीं खींचना चाहिए, गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कहा है नीतीश कुमार ने। किसी का भी ऐसा विचार बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर पर सीधा प्रहार, गोडसे वाले बयान पर नीतीश का प्रज्ञा पर निशाना। निंदनीय है ये सब, हम लोग नहीं बर्दाश्त विचार करना चाहिए। ये देश बापू राष्ट्रपिता, और कोई गोडसे के बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को पार्टी से निकाल क्यों नहीं रही उनको, केवल बीजेपी का अंदरूनी मामला। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, इसलिए कोई एक व्यक्ति क्या बोला तो उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम है। लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है, ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त कर ले। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।